नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर निर्णय अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको हम भ्रांतिमान अलंकार के बारे में पिछले वीडियो में बताया है, उसमें तीन अग्नियों की चर्चा मैंने की थी। अग्नियां हिंदी जगत में तीन प्रकार की होती हैं, वडवाग्नि या वडवानल, जठराग्नि या जठरानल, दावाग्नि या दावानल। वडवाग्नि या वडवानल जो है, इसके संदर्भ में हम आपको बता रहे थे कहते किसे हैं। माना जाता है कि कोई ऋषि थे, अपनी जांघ को अग्नि में डालकर हवन कर रहे थे और उनके जांघ से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जो पूरी सृष्टि को जलाने लगी। तो हुआ क्या कि पूरे देवता चिंतित हो गए। उस अग्नि को एक जगह एकत्रित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले इंद्र की घोड़ी वडवा थी, उसके मुख में उस अग्नि को अर्पित कर दिया और उस घोड़ी को ले जाकर के समुद्र के बीचों बीच रख दिया। माना जाता है कि समुद्र में जो आग दिखती है, वडवा घोड़ी जब अपना मुख खोलती है तो उसके मुख से जो आग निकलती है वही आग जो है समुद्र में दिखाई देती है। इसलिए कभी एग्जाम में पूछे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कि वडवाग्नि या वडवानल है क्या, तो बता दीजिएगा समुद्र की आग, समुद्र या पानी की आग वडवा नल या वडवाग्नि है, क्योंकि वडवा मुंह के घोड़े से निकली आग वडवा नल है। जठराग्नि या जठररस, यह जो है पेट में पाया जाता है, इसे अंग्रेजी में गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। पेट में भोजन को, आमाशय में भोजन को पचाने का कार्य, और उसके बाद छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन पचता है वो अलग बात है, लेकिन आमाशय से जो यह रस निकलता है, यह रस भोजन को पचाने का कार्य करता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के ठीक बाद पानी खींच कर नहीं पीना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि यह अग्नि शांत हो जाएगी। इसलिए जठर रस या जठराग्नि कहाँ पाई जाती है, पेट में पाई जाती है। इसलिए अगर कभी पूछा जाए पेट में पाई जाने वाली आग या पेट की जो आग है, भोजन पचाने की आग है, पकाने नहीं पचाने की आग है, वह जठराग्नि या जठरानल है। दावा मतलब होता है जंगल, जंगल की आग, लकड़ी की आग, चूल्हे की आग, कौन सी आग, दावा नल या दावाग्नि। जंगल की आग, चूल्हे की आग, जंगल की आग, चूल्हे की आग, भोजन पकाने की आग, कौन से है, दावाग्नि या दावानल है। इसके बाद लेके चलते हैं दोस्तों, कभी कभी इससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ लेता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला अलंकार है आपका संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, जब उपमेय में उपमान की शंका की जाए और वह शंका कुछ देर तक बनी रहे। ध्यान दीजिएगा, इसमें शंका कुछ देर तक बनी रहती है तो कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। जैसे मुख है या चंद्र है, अब मुख को देखकर उसमें चंद्रमा की शंका की जा रही है और यह शंका तभी दूर होगी जब चंद्रमा को देखेंगे, और चंद्रमा को देखने के लिए रात्रि का इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर संदेह कुछ देर तक बना रहेगा, इसलिए कौन सा अलंकार, संदेह अलंकार। इसी तरह से नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही कि सारी है कि सारी है कि नारी है, अर्थात नारी में साड़ी की शंका की जा रही है और साड़ी में नारी की शंका की जा रही है, और यह शंका क्षणिक न होकर दुशासन के मन में कई दिनों तक यह शंका बनी रही, इसलिए यहाँ पर शंका कुछ देर तक बनी रहने के कारण भ्रांतिमान अलंकार न होकर संदेह अलंकार हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अलंकार की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार में होता क्या है, अन्य उक्ति का सहयोग लेकर अन्य किसी उदाहरण को लेकर सामने वाले को सिद्ध किया जाए, अर्थात जब अप्रस्तुत के सहयोग से प्रस्तुत को सिद्ध किया जाए अप्रस्तुत के सहयोग से प्रस्तुत को सिद्ध करना, जो सामने न हो उसको आधार बनाकर सामने वाले को कुछ बताना या समझाना या ताना मारना, वहां कौन सा अलंकार होता है, अनियोक्ति अलंकार। मतलब कहा जाए कुछ और लेकिन अर्थ सामने वाले पर निकलता है, जैसे लोकोक्तियों मुहावरे में होता है, वैसे ही कौन सा अलंकार होगा, अनियोक्ति अलंकार। जैसे बिहारी लाल की ये पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने राजा जय सिंह पर व्यंग किया था, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली ही सौ विंध्यों आगे कौन हवाल। इसका भाव ये है कि ना तो पराग अच्छा लग रहा है ना मधुर अच्छा लग रहा है, अब विकास के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अली कली भौरा जो है कली में विंध गया है। अब यहां देखें आप, अली और कली, वहां पर ना तो कली था ना भौरा था, इस भौरे और कली का उपयोग करके उन्होंने राजा जयसिंह और उनकी नई रानी के बारे में कहा गया है, अर्थात ये अप्रस्तुत है। अप्रस्तुत का सहयोग लेकर प्रस्तुत कौन, अली मतलब भौरा कौन, राजा जयसिंह, जयसिंह थे और कली उनकी पत्नी थी। ध्यान दीजिएगा, जयसिंह और पत्नी को ये क्या है, ये प्रस्तुत हैं, सामने हैं, तो यहां पर अप्रस्तुत का सहयोग लेकर प्रस्तुत को सिद्ध किया जा रहा है। यहां कली और भौरा सामने नहीं थे, इनका उपयोग करके जो सामने थे उनको सिद्ध किया जा रहा है, कौन सा अलंकार होगा, अनियोक्ति अलंकार होगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं हम, विभावना अलंकार। अलंकार तो बहुत हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे उम्मीद है कि प्रश्न आ सकते हैं, उनको हम बता रहे हैं आपको। विभावना अलंकार, वैसे तो माना जाता है कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण है, लेकिन ये अलंकार इस बात का खंडन करता है। वह कहता है कि बिना कारण के भी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। इसके तात्पर्य में यह है कि जब कारण न हो फिर भी कार्य की उत्पत्ति हो, कारण के अभाव में, जब कार्य की उत्पत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। कारण के न रहने पर जब कार्य की उत्पत्ति होती है तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना सुने बिनु काना
कर बिनु कर्म करे विधि नाना। करे विधि नाना आप देख लें दोस्तों, विभावना अलंकार में कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे बिन पग बिना पैर का है, कारण नहीं है फिर भी चल रहा है, कार्य की उत्पत्ति हो रही है। बिन काना बिना कान का है, कारण नहीं है फिर भी सुन रहा है। कर बिनु बिना हाथ का है, कारण नहीं है फिर भी कार्य कर रहा है। इस तरह से आपने देखा कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ विभावना अलंकार होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अक्सर से एग्जाम में आए हैं, ज्यादातर वनडे में भी आए हैं कि जब कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है, या दे दे कि बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है, तो बता दीजिएगा दोस्तों विभावना अलंकार। नेक्स्ट अलंकार है हमारा मानवीकरण अलंकार, अंग्रेजी में इसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। मानवीकरण अलंकार, जब किसी निर्जीव वस्तु में मानव को आरोपित करके, जब किसी निर्जीव वस्तु में मानव को आरोपित करके किसी निर्जीव वस्तु को मानव की तरह मानकर बताया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे जगी वनस्पति या अलसाई मुंह धोती शीतल जल से, आपको भी ये लगता होगा कि कभी वनस्पतियां आलस आएंगी और मुंह धोएंगी शीतल जल से, कभी संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि वनस्पतियों में किसी मानव को किसी नायिका को आरोपित किया जा रहा है, वह उठ रही है और मुंह ठंडे पानी से धो रही है, इसका मतलब निर्जीव वस्तु में मानव को आरोपित किया जा रहा है, कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। इसी तरह से आपका उपमा और रूपक का उदाहरण, जो अंबर बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यहाँ उषा काल में भी एक नायिका को आरोपित किया गया है। दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परीसी, धीरे धीरे, यहाँ परीसी अर्थात संध्या सुंदरी सायकाल के समय को एक सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है, वहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार माना जाता है। इस तरह से दोस्तों अलंकार टॉपिक हमारा संपन्न होता है। नमस्कार।